नेटफ्लिक्स पर IC 814 कंधार हाईजेक वेब सीरीज आई और उसने बीजेपी वालों की नींद उड़ा दी। वेब सीरीज आतंकवादियों से जुड़ी है, बीजेपी के NDA सरकार से जुड़ी है, इसी वजह से उसे बैन लगाने की मांग की जा रही है। बीजेपी के समर्थक और राइट विंग ग्रुप उस पर आपत्ति जता रहे हैं ताकि लोगों को सच्चाई का पता ना चल सके। इस वेब सीरीज के आने के बाद सोशल मीडिया पर इसको लेकर खूब बहस भी हो रही है, डिबेट हो रही है, हर कोई इस पर अपनी राय दे रहा है। और इन्हीं सब चीजों के बीच आतंकवादियों के जाल से बचने वाली महिला की एक वीडियो भी वायरल हो रही है, जिसमें वो इन सब राइट विंग ग्रुप और बीजेपी के समर्थकों को करारा जवाब भी दे रही हैं, जो IC 814 द कंधार हाईजेक वेब सीरीज को लेकर उसे ट्रोल कर रहे हैं और उस पर आपत्ति जता रहे हैं। दरअसल नेटफ्लिक्स पर IC 814 द कंधार हाईजेक वेब सीरीज आई है, जो कि इंडियन एयरलाइंस की काठमांडू दिल्ली फ्लाइट के अपहरण पर आधारित है। भारतीय एयरलाइंस की उड़ान को हाईजेक दिसंबर 1999 को हरकत उल मुजाहिदीन के आतंकियों ने किया था। जिस वक्त विमान हाईजेक हुआ उस समय भारत में NDA की सरकार थी और अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। इसी घटना को लेकर अनुभव सिन्हा ने IC 814 कंधार हाईजेक वेब सीरीज को बनाया है, लेकिन इस वेब सीरीज में जिन आतंकियों ने प्लेन हाईजेक किया था उनके असली नाम की जगह कोड नेम को दिखाया गया है। वेब सीरीज में असली नाम की जगह भोला शंकर और बरगर जैसे हिंदू नाम दिए गए हैं, जिस पर अब अलग ही विवाद छिड़ गया है। और इन्हीं विवादों के बीच IC 814 कंधार हाईजेक घटना में जिंदा बची पूजा कटारिया की एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें पूजा कटारिया भी वही नामों को बोल रही हैं जो वेब सीरीज में दिखाया गया है। मतलब वो भी हिंदू कोड नेम को ही बता रही हैं कि यही नाम आतंकियों ने इस्तेमाल किए थे। पूजा कटारिया वीडियो में बोल रही हैं कि विमान में 5 आतंकवादी सवार थे। उड़ान भरने के आधे घंटे बाद आतंकवादियों ने ये घोषणा की कि उड़ान को हाईजेक कर लिया गया है। हम घबराए हुए थे, हमने अपना सर नीचे रखने के लिए कहा गया था, हमें ये भी नहीं पता था कि हम कंधार में थे। लेकिन बर्गर नाम के एक आतंकवादी ने लोगों की मदद की। आतंकवादी डॉक्टर ने इस्लाम अपनाने पर बहुत सारे भाषण भी दिए थे, जबकि जो बाकी आतंकवादी थे उन्होंने अपना नाम भोला और शंकर रखा था। पूजा कटारिया खुद कह रही हैं कि आतंकवादियों ने अपने असली नाम की जगह भोला और शंकर जैसे नामों को रखा था, लेकिन बीजेपी के समर्थक और राइट विंग वाले लोग वेब सीरीज को ट्रोल करने में लगे हैं। पूजा कटारिया वीडियो में आगे बोलती हैं कि अगर भारत सरकार या यूं कहें बीजेपी सरकार, क्योंकि उस वक्त देश में बीजेपी की सरकार थी, वो अमृतसर में विमान पर कमांडो हमले की कोशिश करती तो इंडियन एयरलाइंस भारत से बाहर नहीं उड़ सकता था, मतलब वो कंधार नहीं जा सकता था। अगर उस वक्त भारत की सरकार उन आतंकियों पर या विमान को बचाने के लिए कोशिश करती तो पूजा साफ साफ बोल रही हैं कि फ्लाइट हाईजेक होने के बाद भारत से उड़कर कंधार पहुंच जाती है, अफगानिस्तान पहुंच जाती है। अगर उस वक्त के NDA सरकार ने कोशिश की होती तो फ्लाइट इंडिया में ही रहती, कंधार नहीं पहुंचती। जिस तरह से पूजा कटारिया बोल रही हैं वो बीजेपी के NDA सरकार पर बहुत बड़े सवाल खड़े करती हैं। और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि जब उस समय भारत में NDA की सरकार थी और अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, तो क्यों इंडियन एयरलाइंस को अमृतसर में नहीं रोका गया, क्यों कोई ऑपरेशन नहीं चलाया गया, क्यों उसे क्यों कंधार जाने दिया गया। दोस्तों जिस तरह से हाईजेक की घटना हुई उन्हीं सब चीजों को कंधार हाईजेक वेब सीरीज में भी दिखाया गया है, लेकिन फिर भी राजनीतिक पार्टी के समर्थक और बाकी लोग उसको लेकर विरोध कर रहे हैं, उसे बैन लगाने की मांग कर रहे हैं। आखिर इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? वैसे दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि क्या वाकई वेब सीरीज में कुछ अलग फैक्ट दिखाए गए हैं, या फिर जिस वक्त ये घटना हुई उस समय बीजेपी की NDA सरकार थी, इसी वजह से इस पर बैन लगाने की मांग की जा रही है? आप लोगों को क्या लगता है इस पूरी वीडियो पर, हमें अपनी राय जरूर दें। और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।